मुंबई 1980 सड़कों पर खोले यहां खून खराबा होने लगा। गैंगस्टर्स के खत्म होने की कहानी शुरुआत से दहला देने वाले रोमांचक देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.sonylive.com। कहाँ है ये पुराना मंदिर? महल में मिलने योग्य इतने स्थान होने के बाद भी कुंवर प्रताप को बस यही एक स्थान सूझा जिसका मार्ग हमें नहीं पता। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जल्दी बोलिए, क्या कहना है आपको? वो बहुत विचित्र सा लग रहा है। पता नहीं है कि दादाजी को पता चल गया कि हम ये यहाँ हैं। पता नहीं क्या करेंगे। ये सब तो आपको यहाँ पर आने से पहले सोच लेना चाहिए था ना? और फिर यदि आपको हमसे इतनी ही आवश्यक बात कहनी थी तो कम से कम स्थान का चुनाव तो हमें करने दिया होता। अब ऐसे असुरक्षित और सुनसान स्थान पर यूं इस समय अकेले आकर आपने मूर्खता तो की है जबदेव। कम से कम आपसे तो हम ऐसी अपेक्षा नहीं करते थे। आप भी राजकुमारी कितने गलत समय पर अपनी मोहब्बत की शुरुआत करने आई है। चंद लम्हों में आपका ये राजकुमार लाश बन जाएगा। अब ऐसे क्या देख रही हैं आप हमें? चलिए यहां से। देखिए, यदि हमने आपका मन दुखाया हो तो हमें क्षमा कर दीजिए, परंतु पहले आप संदेश लिख के हमें यहाँ बुलाते और जब हम आ जाते तो हमें ऐसे डांटते जैसे सब हमने किया। जानते कितना डर लग रहा था हमें। आपने संदेश लिख के भेजा था इसीलिए हम यहाँ आए थे। क्या हमने? पर संदेश तो आपने लिखकर बुलाया था हमें, इसलिए अच्छा अब समझ गए। तो ये बात है, आप कोई प्रतिक्रिया मत कीजिए जब तक पता नहीं हमें कोई देख रहा हो। आइए शीघ्र आइए। जिस बात का डर था वही हुआ। इस बार भी प्रताप मेरे जद से निकल के चला गया, पर आज रात मैं प्रताप को नहीं छोड़ूंगी। वो मैंने आपको बिना बात इतना सब कुछ सुना दिया इसलिए मैं बुरा लग रहा है। बुरा नहीं लग रहा। वैसे ऐसा संदेश आपको मिल भी गया तो आपको उस पर विश्वास करके यहाँ तक नहीं आ जाना चाहिए था। पर हम भले तो सब भले वाली प्रवृत्ति
आपको कभी ना कभी किसी बड़े संकट में डाल सकती है जब तक हम हर किसी पर विश्वास नहीं करते। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमें ये क्या बोल दिया हमने? हम भी कैसे मूर्ख हैं? पहले आप जाइए। न जाने आज हम कैसे पूर्णता में मूर्खता किए जा रहे हैं। अरे हमें यहाँ छिपने की क्या आवश्यकता? जिसने हमें संदेश लिखकर यहाँ बुलाया है वो तो आ रहा होगा हमसे मिलने। आप एक काम कीजिए, आप यहीं रुकिए, हम वहाँ पर फिर से जाकर देखते हैं। मूर्ख मूर्ख मूर्ख। शिकार खुद शिकार होने के लिए शिकारी के पास आ गया। ओह, तो ये आप थी। हमें पहले ही सोच लेना चाहिए था। सोच लेना चाहिए था? क्या सोच लेना चाहिए था? यही कि ऐसी मूर्खता केवल आप ही कर सकती हैं। रुकिए रुकिए, आप कहना क्या चाहते हैं? ऐसी क्या विशेष बात थी जिसे कहने के लिए आपने हमें यहाँ बुला दिया? ऐसे देखिए कुंवर प्रताप, यदि आप राजकुमार हैं मेवाड़ के, तो हम भी राजकुमारी फूलकंवर हैं मारवाड़ की, समझे? हम किसी का आदेश लेते नहीं है, आदेश देते हैं। वो तो आपने हमें यहाँ बुलाया था संदेश देके, इसलिए हम आपसे मिलने आए। क्या ये क्या कह बैठे हैं? हमने आपको संदेश देकर बुलाया था यहाँ। ओह, तो आपको भी वही भूल हो गई जो अजबदे को हुई है। क्या अजबदे भी यहाँ पे? तो फिर कक्ष में कौन था? देखिए वो हमारे पास व्यर्थ बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप वहाँ अजबदे के साथ जाकर छिप जाइए। जाइए। लाल बाग यहाँ पर इस समय क्या कर रहे हैं? सर उठा के यही प्रश्न हम आपसे पूछे तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं जालम सिंह जी? हम तो यहाँ पर किसी के निमंत्रण पर आए हैं सर उठा के, किंतु आप यहाँ पर अवांछित व्यक्ति है। पर हम आपकी बातों पर विश्वास क्यों करें? करना है करिए, नहीं करना ना करिए, हमें क्या अंतर पड़ता है? चलिए जाइए यहाँ से। अच्छा चलिए देखते हैं आप हमें यहाँ से जाने के लिए कैसे विवश कर दे। आप हमारी बात का गलत मतलब समझ रहे हैं। हमारा मतलब हमारे पास साक्ष्य है। ये रहा, देखिए देखिए देखिए, पढ़िए। इस कमजर के हाथों कैसे लग गया मेरा पैगाम? अरे ये तो वही पत्र है। कैलम सिंह जी आपको हमें बताना होगा कि ये निमंत्रण पत्र आपको किसने भेजा है। निमंत्रण? हम क्यों बताएं आपको? हम नहीं बताएंगे। जाइए जो करना है कर लीजिए। करने वाला तो कोई और है यहाँ पे कुछ, पर अब ये बात समझाए कैसे आपको? आपने हमसे कुछ कहा? हाँ यही कि आप ठीक कह रहे हैं, आपको निमंत्रित किया गया है इसलिए आप यहाँ आए। तो रुकिए यहाँ और कीजिए निमंत्रित करने वाले की प्रतीक्षा, हम चलते हैं यहाँ से। सही है। ये कहाँ जा रहा है? देखिए
आप दोनों पर चिल्लाने के लिए हमें सचमुच खेद है, पर सच बात तो ये है कि आप दोनों ने नहीं भेजा था हमें वो संदेश। फिर वो संदेश भेजा किसने था? वही जानने के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। पता तो चले कौन है और क्या चाहता है। आप दोनों उस गुप्त मार्ग से वापस महल में चले जाइए, यहाँ पर मत रुकिए। संभवतः आप लोगों को कोई देख लेगा और जो नहीं होना चाहिए। आपके पास आपकी कटार नहीं दिख रही है? हमें यहाँ कटार की कोई आवश्यकता नहीं, जाइए आप दोनों। चलिए फूल। अगर ये जालम सिंह ऐसे ही रहेगा, प्रताप तो कभी खुले में आएगा ही नहीं। आल भाई, आई। हम आ गए। ये देखने के प्रताप की हत्या हुई या नहीं, किंतु हम क्या देख रहे हैं? क्या आप यहाँ खड़ी खड़ी उस उल्लू को देखते हैं? इस वक्त बेवक्त खून जलाने वाले की जान ले सकती मैं तो। क्या देख रही हैं? आपका कुंवर प्रताप नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, दिखाइए। आप प्रताप को फिर से खुले में बुलाने का इससे अच्छा जरिया क्या होगा? प्रताप जैसे शेर को बाहर निकालने के लिए सुल्तान जैसी बकरी कैसी रहेगी? कुछ कहना चाहते हो? सच कहूं तो मुझे बहुत डर लग रहा है उस जालम सिंह से। देखिए ना, जबरदस्ती मेरा इंतजार कर रहा है वहां पर। ऐसे ही रहा तो प्रताप को मारने का मेरा खेल बिगड़ सकता है ना। चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम आपकी सहायता करेंगे प्रताप को मारने हेतु। हम उस उल्लू को उल्लू बनाएंगे और यहाँ से भगाएंगे। पर कैसे? दुपट्टा निकालियो। चुपचाप खड़े रहिए वहां। कौन है आप? अपना चेहरा दिखाइए। सुना नहीं आपने? हमने कहा अपना चेहरा दिखाइए। कौन है? जान सिंह जी, उस औरत का पीछा कीजिए। ये क्या कर रहा है सुल्तान? कौन है? कौन है वहां? अरे ठहरिए, भाग क्यों रहे हैं आप? अरे कहाँ जा रही है लाल भाई? तीन साथ छोड़कर कहाँ जा रही है? आपके बुलाने पे मात हो गया।
रुकिए ना, आप हमारी बात तो सुनिए। आप क्या अरे ये चूड़ी खंजर की क्या आवश्यकता है प्रेम में? अरे हम कह रहे हैं प्रेम पूर्वक बात कीजिए। लाल भाई जी लग जाएगा, लग गया लाल भाई जी। खजर लग गया, हम निकाल रहे, हम निकाल रहे लाल भाई की। अरे दीजिए आप ठीक तो है ना? हमसे इतने प्रेम से मिलने आई थी, हमने उसे खंजर मार दिया। वो आपसे मिलने नहीं आई थी जलम सिंह जी, किसी और कारणवश आई थी। अजब दे, क्या आपको ये लगा कि कुंवर प्रताप ने संदेश भेजकर आपको अकेले बुलाया है? पर फूल, आपने भी यही सोचा था ना? बार भी आपके मन में ये बात नहीं आई यदि कुंवर प्रताप को कोई भी बात करनी थी तो दिन में करते, महल में करते। वो अचानक आधी रात को मंदिर के पास, वहाँ क्यों बुलाया आपको? सोचा तो था। यदि सोचा था तो फिर आप क्यों चली गई थी अकेले आधी रात को वहाँ पुराने मंदिर पे? मतलब देखिए, जो हुआ सो हुआ, पर भविष्य में याद रखिएगा, यदि आपको कोई ऐसा खतरनाक कार्य करना पड़े ना तो हमें अवश्य ही अपने साथ लेके चलिएगा। पर फूल, आप क्यों गई थी वहाँ, और वो भी कुंवर प्रताप के कहने पर? हम क्यों गए थे? अरे हाँ, सुना नहीं था आपने क्या कहा था कुंवर प्रताप ने? उन्होंने बुलाया ही नहीं था हमें, कोई संदेश ही नहीं भेजा था। हाँ, पर जिस समय आपने जाने का निर्णय लिया था उस समय आपको ये सब नहीं पता था, है ना? हाँ जब दे, बात तो आप ठीक ही कह रही हैं। हम क्यों गए थे वहाँ पे? और पानी डालो भाई, और पानी डालो। बस बस, बहुत पानी छिड़क लिया चेता में वापस आने के लिए। अब ठंडे दिमाग से सोचकर बताइए जलम सिंह जी, कौन थी वो स्त्री? जालम सिंह जी, आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो लाल भाई जी ही थी। राव जी, ये लाल भाई जी वही नृत्य शिक्षिका है ना जो राजकुमारी फूलकर और बादशाह के लिए मारवाड़ से आई है? जी बाबूजी राज, लाल भाई जी को बुलाया जाए। अरे हाँ, हमें पता है हम क्यों गए थे। हम वहां कुंवर प्रताप को बताने गए थे कि देखिए कुंवर प्रताप, किसी भी भली लड़की को क्यों आधी रात को बुलाना ठीक नहीं है। यदि आपको कोई आवश्यक बात भी करनी है तो दिन में कीजिए, महल में कीजिए, सबके सामने कीजिए, पर यूं आधी रात को? हाँ हाँ जब दे, इसीलिए गए होंगे हम वहाँ पे। गए होंगे अर्थात अभी भी आप निश्चित नहीं है फूल? हम अगर नहीं भाई साहब, आपके दादाजी ने लाल भाई जी को पूछताछ के लिए दरबार में बुलवाया है। वो रात के समय पुराने मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्र में क्यों गई थी यही जानने के लिए वो उनसे पूछताछ करेंगे। आप बाबूजी राज, वहां जाने से पहले आपको किसी ना किसी को बता देना चाहिए था, वहां कुछ भी हो सकता था। राव जी, हमें उस बात का ध्यान ही नहीं था, हमें जैसे ही संदेश मिला हमने सोचा कि चलकर देख लेते हैं कौन है ये। कौन? आइए यहां पर।
आप भी आइए। अच्छा हुआ आप आ गए। अभी जो मामला हमारे सामने आया है वो आपकी नृत्य शिक्षिका के विषय में है। वही शिक्षिका जिसे आपके दादोसा ने यहाँ पर भेजा है। जी हाँ राव जी, हमने भी कुछ ऐसा ही सुना था, इसीलिए सच जानने की उत्सुकता में हम भी यहाँ आ गए। कुंवर प्रताप, पुराने मंदिर के आसपास किसी और को भी देखा था आपने? जी हाँ। किसे देखा था? जालम सिंह जी भी थे वो। पधारिए लाल भाई जी, चूंकि आप मारवाड़ से हैं, हमारी अतिथि हैं, इसलिए आपके साथ विनम्रता से औपचारिक पूछताछ करना चाहते हैं। आधी रात को आप पुराने मंदिर के आसपास क्या कर रही थी, जबकि सुरक्षा हेतु उस क्षेत्र पर हमने पाबंदी लगा दी है? जवाब दीजिए, आधी रात को आप पुराने मंदिर के आसपास क्या कर रही थी? हम तो वहां गए नहीं थे। असत्य बोलने से कुछ नहीं होगा लाल भाई जी, हमारे पास साक्षी है। जालम सिंह ने स्वयं अपनी आंखों से आपको वहां देखा है। जानती है ना लाल भाई जी, आप पर गुप्तचरी जैसा गंभीर आरोप भी लगाया जा सकता है, इसलिए जो भी उत्तर दें सोच समझ के उत्तर दें। किस मंदिर, किस घटना की बात कर रहे हैं? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए हम अपनी बात पर कायम रहेंगे कि हम वहां गए ही नहीं थे। लाल भाई जी, हम फिर से कह रहे हैं आप सोच समझ के उत्तर दें। साक्ष्य है हमारे पास, छीना झपटी में जालम सिंह ने अपने छुरे से उस स्त्री के पैर पर वार भी किया था। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राव जी, हमें ऐसा आभास हो रहा है कि इनके पांव पर जालम सिंह जी के छुरे का घाव नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि राव जी, जो स्त्री हमने वहां देखी थी उनकी कद काठी आकार आदि इनसे काफी भिन्न थी। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से वो कोई और होनी चाहिए। वैसे ये हमारा अनुमान है राव जी। देख लेते हैं अभी, आपको तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं महाराज, अगर आप चाहें तो अपनी दासी से हमारे दोनों पैर दिखवा सकते हैं। पर चोट का चिन्ह नहीं है। इसका अर्थ हुआ
वहां कोई और थे। जालम सिंह जी, आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप जिसे मिले, आपने जिसे देखा, वो लालबाई जी ही थी। अब निश्चित रूप से सर उठा के हम क्या बताएंगे? रात थी, अंधेरा था और आग भी हमारी एक ही थी। ये सब क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो औरत लालबाई जी नहीं हो सकती, और होंगी भी कैसे? इनके पांव पे तो कोई घाव भी नहीं है। और ये थी वहां पर, हमने स्वयं छुरा चलाया था सर उठाकर, ये चिल्लाई भी थी सर उठाकर कि तू, ये सब क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा अब क्या करें? शांत शांत हो जाइए जालम सिंह जी, कोई अपना विचार नहीं थोप रहा है। आप ही ने कहा था, इसलिए बुला गया लाल भाई जी को। लाल भाई जी, आप जा सकती हैं। अरे रुकिए रुकिए, ये जांच सभा को इतनी जल्दी समाप्त मत कीजिए। हमारे पास साक्ष्य है कि लाल भाई जी आप वहां पर थी। साक्ष्य है हमारे पास। लेकिन अभी अभी तो आपने कहा था कि वो ये नहीं थी। परंतु महाराज, आप ये तो मानेंगे कि वहां कोई ना कोई तो था जो हमसे टकराया था। हम का मना कर रहे हैं, लेकिन आपकी वो जिसे आप टकराए थे, कदाचित कुंवर प्रताप की गरजती आवाज सुनते ही वहां से भाग गई होगी। और वो छुरा तो सौरत का ही था ना, जो मिलने आई थी हमसे। और हम शपथ लेकर कह रहे हैं महाराज कि हमारे पास कोई हथियार नहीं था। जालम सिंह जी, एक सुझाव देते हैं आपको, मदिरा थोड़ी कम पिया कीजिए। लाल भाई जी, हमें नहीं पता कहां पर क्या गड़बड़ हो रही है सर उठाकर। लोग हम पर हंस रहे हैं, हमारा क्यों परिहास कर रहे हैं सर उठाकर? किंतु वो औरत जिससे हम मिले थे, वो बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरह दिखने में थी। और वो रक्त तो उस स्थान पर था जहां वह गिरा हुआ था, फैला हुआ था, वो क्या था? जालम सिंह जी, आपका हाथ देखिए, कटा है ना, चोट गहरी है ना, तो हो सकता है कि वो रक्त जो वहां पर मिला आप ही का हो। लाल भाई जी, आपको जो भी कष्ट हुआ उसके लिए हमें खेद है। हम व्यक्तिगत रूप से आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस घटना को भूल जाएं और पूरे सम्मान के साथ, गरिमा के साथ आप यहीं रहें, यही हमारा आग्रह है। ठीक है महाराज, पर हम भाईसा फूलकवर को नृत्य सिखाने आए हैं, और आज तक हमने अपने हाथों में जो काम लिया है उसे कभी अधूरा नहीं छोड़ा, और जो काम हम करने आए हैं उसे तो हम अवश्य पूरा करेंगे। धन्यवाद लाल भाई जी, इनको पूरे सम्मान के साथ अपने कक्ष में ले जाइए। कुंवर प्रताप, यदि आपको कोई असुविधा ना हो तो हमारे विशेष मंत्रणा कक्ष में आइए, आपके साथ थोड़ी वार्तालाप करनी है। फूल, हम सोच रहे थे भविष्य में आपस में कुछ भी नहीं छुपाएंगे। हाँ जब हम भी यही सोच रहे थे, वो तो अच्छा हुआ कि वहां कुंवर प्रताप ने हमें बचा लिया, वरना हम तो बहुत बुरा फंस जाते। सच्ची, आज के बाद हम आपसे कुछ भी नहीं छिपाएंगे। अब बस बस, यही हमारा कक्ष है, अब आप जा सकते हैं।
सतन, राव सतन, उठिए, उठिए राव सतन, अब बाहर आ सकते हैं अभी। प्रताप का शिकार करने हेतु आप हमारा उपयोग करना चाहती थी, आप हमारी हत्या करना चाहती थी। जान लीजिएगा जान, हमारी हत्या करना इतना सरल नहीं है। प्रताप के दाता ने हमें ऐसे ही बक्से में गाड़ा था, धरती के भीतर तत्पश्चात हम धरती का सीना पार कर बाहर निकले थे। जीवित बच गए हम, किंतु आज आप इतना ही बचेगी। छोड़िए, राव सतन छोड़िए। देखिए देखिए, मैं आपके लिए दवा लाई हूँ, और अगर ये दवा की शीशी मेरे हाथ से गिर गई तो आप ऐसे ही खून बहाते बहाते मर जाएंगे। ये आप भी जानते हैं और मैं भी, और आप ये भी जानते हैं कि आप इस वक्त कोई हकीम के पास नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप गए तो आप पकड़ा जाएंगे। इसलिए ये दवा आपको आपकी जिंदगी वापस दे सकती है। हमारी जिंदगी वापस लेकर रहेंगे, किंतु आपको आपकी जिंदगी आज नहीं मिलेगी। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपको मारना नहीं चाहती थी। मुझे मेरी बात समझाने का एक मौका दीजिए। बाबूजी राज, वो पुराने मंदिर में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हमें पता चला। अब आप इस पूरी घटना को साधारण तो नहीं बोलेंगे ना? नहीं बेणी दास, घटना थी नहीं साधारण। हमें तो लगता है कि किसी ने हम पर वार करने की इच्छा से हमें आधी रात को पुराने मंदिर के पास बुलाया था, वो भी अकेले। और वो जो भी रहा वो अकेला नहीं है, उसका कोई साथी भी है। फिर तो मैं तुरंत ही जाकर राव जी से बात करके आपके सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी चाहिए बाबूजीराज। अब आपको कहीं भी किसी भी समय बिना सुरक्षा घेरे के नहीं रहना चाहिए बाबूजीराज। ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे मित्रों, क्योंकि इससे शत्रु को विश्वास हो जाएगा कि हम सचेत हो चुके हैं। सबसे उपयुक्त नीति ये कहती है कि हम अपने शत्रु को ये सोचने का भरपूर अवसर दें कि हम किसी भी षड्यंत्र से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, और फिर उसे कोई भूल करने का अवसर दे, तभी हम इस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंच जाएंगे। वैसे भी इतने जत्न के बाद हमारे मित्र चक्रपाणि का विवाह हो रहा है, सारा महल उसके विवाह के उत्सव में डूबा है, सारे लोग प्रसन्न हैं, और फिर ऐसे में इस षड्यंत्र की काली छाया से हम सभी लोगों को आतंकित करके अपने मित्र चक्रपाणि का विवाह बिगाड़ नहीं सकते। हाँ वो सब तो ठीक है बाबूजीराज, पर आप पर ये जो नया संकट है वो। बेनीदास, हम किसी भी चुनौती या किसी भी संकट के सामने अपना बचाव करने का सामर्थ्य रखते हैं। पर बाबूजीराज ने कहा ना, चिंता छोड़िए, पर हाँ, हमें इस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचने के लिए हर समय अपने कान और आंख अवश्य खुले रखने चाहिए। बस हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, समझाइए हमें गौरजान। ये सच है कि प्रताप को अपनी छुपने की जगह से बाहर निकालने के लिए मैंने भेजा था आपको जालम सिंह के पास, पर मेरा यकीन मानिए, अगर आप थोड़ी देर वहां और खड़े रहते ना, तो मैं प्रताप को मार ही देती। पर आपने, आप प्रताप को देख के एक नामर्द की तरह डर के भाग गए। अपने शब्दोच्चार पे नियंत्रण रखिए और हमारे इस वेश पे मत जाइए, कृपया हमारी मर्दानगी को मत ललकारिए। आप ये जो अपनी मर्दानगी मेरे बालों को खींच कर दिखा रहे हैं, वही मेरा साथ देकर दिखाइए। फिर ये गौहरजान आपकी जान बनकर रहेगी उम्र भर के लिए। इस क्षण तक हम आपके
लिए हमारे दिल से सोचते थे, किंतु अब दिमाग से सोचेंगे। और हमारा दिमाग हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि हम आपसे ये प्रश्न पूछे कि हम आप पर भरोसा क्यों करें। तर देंगी? ठीक है, मत कीजिए मुझ पर यकीन। दीजिए, मार दीजिए मुझे, मार दीजिए मुझे, भाग जाइए यहां से, मारिए मुझे। क्या सोच रहे हैं? सोचिए मत। आइए, क्या करना है? गणी खम्मा, बारात तो बहुत अच्छी सजी है। बुरा ना मानिए, एक बात कहनी। एक कमी अवश्य है। क्या कमी रह गई राव जी? मित्र का विवाह हो रहा है और बाऊजी राज के चेहरे पर कोई उत्साह उल्लास ही नहीं। नहीं नहीं राव जी, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो आज इतने प्रसन्न हैं ना कि हम बता नहीं सकते इस समय। अच्छा, सबको क्यों नहीं दिखाई दे रही है प्रसन्नता? हाँ बाबूजी राज, आप इतने शांत क्यों हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, बजाइए, और ऐसे बजाइएगा जैसा आज तक आप लोगों ने कभी नहीं बजाया हो। बजाइए। अति उत्तम। ये लीजिए हमारी ओर से। ये तो वही माला है जो हमने अजब दे को दी थी। ये माला कुंवर प्रताप के गले में कैसे? आइए आइए। जब देख आते की थाल दीजिए।
सावासी जी, आप बेंद राजा की केवल आरती उतारती रहेंगी या फिर इन्हें विवाह मंडप में भी बैठने देंगी? हमारा बस चले तो हम इन्हें इसी समय मंडप पे बिठा दे। पधारी। परंतु योजना तो बताइए क्या है? शादी की तैयारियों के बहाने मैंने महल के कोने कोने देख लिए। क्यों देख लिए? क्योंकि मुझे एक महफूज जगह चाहिए थी जहां से हम प्रताप को इत्मीनान से मार सके, और मैंने वो जगह ढूंढ ली। प्रताप की मृत्यु कैसे हो सकती? प्रताप के सर पर गिराएगा वो झूमर मेरा ये खंजर। जब मैं प्रताप को झूमर के नीचे लाऊंगी तब आप झूमर की रस्सी को इस खंजर से काट दीजिएगा। हमें क्या करना है ये तो हम समझ गए, किंतु अब आप हमें ये समझाइए कि आप प्रताप को झूमर के नीचे लाएंगी कैसे? एक बहुत बड़ा जश्न करके, एक शानदार जश्न जहां मारवाड़ की ये मशहूर नर्तकी अपना हुनर दिखाएगी। यादव सर्वभूत बुद्धिरूपण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। आपने एक बार ठीक से सोच विचार तो कर लिया ना? वो क्या है ना, अगर एक बार आपने मंगलसूत्र पहना दिया फिर तो अब क्या बताया सबके सामने? भौजीराज, क्या आपको लगता है कि मैं सचमुच पुनर्विचार करना चाहिए? अच्छा जी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कुंवर प्रताप और उनके मित्र चक्रपाणि को हंसा रहे हैं? आप पागल होंगे क्या? बोल और प्रताप कभी किसी का प्रयास नहीं करते, और आप और वे अब मित्र भी तो हैं। वो सब हमें नहीं पता, वैसे भी हमें क्या अंतर पड़ता है कोई हमारा मित्र बने या शत्रु। अरे मंगलसूत्र कहाँ है? जिंदगी के साथ ऐसी राजनीति क्यों? और फिर आप लोग दावा करते हैं बदलाव का? ये कोर्ट इस केस के अपराधी है, फांसी की सजा सुनाती है। अब आप देख सकते हैं क्राइम पेट्रोल के नए और पुराने एपिसोड्स www.sony.com।